किसी भी गलती के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, केवल सिस्टम जिम्मेदार है। सिस्टम का कोई माई बाप नहीं है। हम ट्वीट को डिलीट कराकर या अपनी मीडिया का मुंह दबाकर केवल अपने देश में अपना कंधा ऊंचा कर सकते हैं, लेकिन जब वही बातें जब विदेशी मीडिया में जाती है तो बहुत शर्म लगता है कि जिसे कहा जाता था मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, उसके शमशान घाट का फोटो अमेरिका के द वाशिंगटन जो न्यूयॉर्क टाइम्स में पूरे फ्रंट लाइन में छापा जाता है। भारत की यह तस्वीर पूरी दुनिया को दिखा दिया गया यहाँ पर, और यह हमारे देश की तरह अखबार नहीं है, इसे वेल प्रतिष्ठित अखबार माना जाता है। यहाँ पर पूरी दुनिया में एक चीज का क्रिटिसाइजम हो रहा है कि भारत अति आत्मविश्वास में चुनाव की रैलियों में त्योहारों में जो बिना नियम का पालन किए हुए जो धड़ल्ले से नियम कानून की धज्जियां उड़ाई गई उसी का नतीजा है ये जो सेकेंड वेव आई है सुनामी की तरह। देखिए ये सेकेंड वेव आई जरूर तेज है, अब काम की बात करते हैं, ये सेकेंड वेव जाएगी भी बहुत तेज, लेकिन आपको 15 से 20 मई याद रखिएगा ये डेट बड़ी खतरनाक है। इस बीच आप लोग देखिएगा भारत में पर डे 6 लाख से ज्यादा मरीज मिलने लगेंगे, क्योंकि इस बीच तक हम लोग के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं है। जो ऑक्सीजन प्लांट बोले गए हैं लगाने के लिए या जो लग रहे हैं इन्हें 15 से 20 दिन लग जाएंगे। इस बीच आप अपने आप को बचा के रखिए, आपके लिए और देश के लिए बेटर है। देहात में क्या होता था, हम लोग के यहाँ जब कभी बारात ज़्यादा आ जाती थी और खाना घट जाता था तो हम लोग बाराती को बताते नहीं थे कि खाना घट गया, हम लोग उन्हें एक प्रोग्राम में लेके चले जाते थे, इधर से आप कुछ मंत्र बोलिए उधर से वो बोलते थे, कंपटीशन होता था कि हम कितना जानते हैं आप कितना जानते हैं, लड़की वाला और लड़का वाला, ये कंपटीशन 1-1.5 घंटा चलता था, लोग भूल जाते थे। इसी बीच जो जब खाना बन जाता था तो गांव के बुजुर्ग आदमी बोलते थे अरे अरे चलिए चलिए बारात को पहले खाना तो खिला दीजिए उधर खाना बन जाएगा, इसलिए ये 15 दिन वेट कीजिए ताकि सरकार जो लगा रही है ऑक्सीजन प्लांट वगैरह वो अच्छे से लग जाए। उसके बाद आप देखिएगा कि जिस तरह से ये कोरोना का सेकेंड वेव आया है उसी तरह से ये डाउन होगा, 20 मई के बाद ये तेजी से डाउन होने लगेगा, फर्स्ट वेव की तरह धीरे धीरे डाउन नहीं होगा, ये अचानक डाउन होगा। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी है तो वैक्सीनेशन, 1 मई से सबको वैक्सीनेशन लगना चालू हो जाएगा, लेकिन इस वैक्सीन की समस्या यह है कि हर गली मोहल्ले तक पहुंचाने की समस्या है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि ये जो किट है इस किट में कैसे ले जाया जाए। तो भाई साहब एक बात नहीं समझ में आता है, जितने पैरामेडिकल स्टाफ है इन्हें मोहल्ले तक में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, और आपको वैक्सीन इन्हें पहुंचाने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार को चाहिए कि जितने शहर है हर शहर में आइसक्रीम की छोटी छोटी फैक्ट्री लगी रहती है जहां आइसक्रीम बनता है, वहां आइसक्रीम वालों को कॉन्टेक्ट करें, वहां एक अधिकारी बैठाए भारत सरकार और उस आइसक्रीम वाले को पूरी वैक्सीन दे और उन्हें बताए कि भाई जो तुम्हारा ये बर्फ वाला ठेला होता है ना इसमें भी उतने टेम्परेचर होता है जितना टेम्परेचर चाहिए आपके ये वैक्सीन को, इनको कहिए ये गली मोहल्ले तक पहुंचा देंगे। जिस तरह से मोहल्ले मोहल्ले में पोलियो ड्रॉप पिलाया गया ना, ये आइसक्रीम वाले चाहे ना तो मोहल्ले मोहल्ले घर घर जाके वैक्सीनेशन का काम कर सकते हैं। इनके साथ बस नर्स लगा दीजिए, एक मोहल्ले में एक नर्स रहेगी, ये आइसक्रीम लगाएगा, इसमें पास वो होता है भोपू पोपू पोपू बोलते रहता है, सब लोग आके लगवाइए लेंगे यहाँ पर। अब बताइए गर्मी का दिन आ रहा है, ये बेचारे उम्मीद में थे हमारा रोजगार मिलेगा, तो भारत सरकार इनका रोजगार भी नहीं ले सकती, इनसे सहयोग लीजिए और इनको जो दिहाड़ी के हिसाब से जो सैलरी बनता है वो हिसाब से दे दीजिए, इनका रोजगार भी नहीं जाएगा। इससे क्या है कि हमारा देश और देशवासी दोनों खुश रहेंगे, हमें रोजगार बहुत चला गया लोगों का यहां पर। तो गवर्नमेंट सोच रही कि हम कैसे ले जाएंगे गली गली तक वैक्सीनेशन को, कैसे ले जाएंगे। आप देखिए ना भारत जुगाड़ का देश है, यहां जुगाड़ पर पूरा देश टिका है, जो यहां का जुगाड़ नहीं सीखा वो क्या सीखा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अपने हाथों को बार बार अच्छे से धोते रहिए, कभी स्कूल से हाथ धोइए, कभी नौकरी से हाथ धोइए, कभी सैलरी से हाथ धोइए, कभी पेंशन से हाथ धोइए, कभी बिजनेस से हाथ धोइए, तो कभी अपने दुकान से हाथ धोइए, लेकिन जब तक बीमारी है तब तक हाथ धोते रहिए, क्योंकि सरकार हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं हो सकता है, बस हाथ धोते रहना है हम लोग को। इस तस्वीर को देखिए, ये पत्नी अपने पति के बीमार स्थिति को लेकर ऑटो से हॉस्पिटल में आई, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कहीं भी व्यवस्था न होने की वजह से बेचारी कहीं भी फोन लगाती रह गई, कोई रिस्पांस करने वाला नहीं था, और यहाँ पर इतनी बुरी स्थिति हो गई कि जब इसके पति का सांस रुकने लगा तो ये बेचारी महिला अपने मुंह से पति को सांस देती रही ताकि उसके फेफड़े में सांस पहुँचाया जा सके, लेकिन ये सिस्टम के आगे हार गई और अपने पति को नहीं बचा पाई। इस महिला के लिए इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकता है कि उसके गोद में उसके पति ने दम तोड़ दिया। ये ऐसा देश देखने के लिए हम लोग थे, हाँ ऐसा देश देखने के लिए कितना दुख की बात है हम लोग के लिए कि रामनवमी के पावन महीने में जहाँ गली गली में जय श्री राम के नारे गूंजते थे, आज उसी गलियों में राम नाम सत्य है से चिताएँ गूंज रही हैं। रमजान के मुकद्दस महीने में जब लोग खरीदारी करने ईद की खुशियों से निकलते थे, आज वही लोग ईद के कपड़े नहीं बल्कि कफन खरीदने के लिए निकल रहे हैं। हम सब बहुत लड़ा करते थे हिंदू मुस्लिम के लिए, आज न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में, ये दोनों खतरे के बाहर आ गए हैं, लेकिन अफसोस की बात है ये दोनों सांस नहीं ले पा रहे हैं।
गुजर रही है जिंदगी एक ऐसे मुकाम से, अपने ही दूर हो रहे हैं जरा सी जुकाम से। सारी कायनात में एक कातिल बीमारी की हवा हो गई, वक्त ने ऐसा सितम ढाया कि दूरियां ही अब दवा हो गई। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि केवल 15 से 20 मई तक अपने आप को बचा के रखिए, उसके बाद ये सेकेंड वेव धीरे धीरे डिक्लाइन होगा और फिर से भारत वैसे ही मुस्कुराएगा। लेकिन थोड़ा सा होता क्या है कि बुरा वक्त बड़ा देर से कटता है, लेकिन क्या कीजिएगा, रात कितनी भी बड़ी हो सवेरे होने से नहीं रोक सकती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।